नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे कि हमारे टेरिस पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है पौधों में, और अच्छी एक छोटी सी हार्वेस्टिंग होगी। तो आप लोग पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और हार्वेस्टिंग का आप लोग भी मज़ा लीजिए। तो देखिए, मैंने ठंड के पौधे सब लगा दिए हैं और वो अब अच्छी ग्रोथ पकड़ लिया है। और ये देखिए, मेरा ये पुराना बैंगन का पौधा है और हम देखेंगे कि इसमें से कितनी सारी इस सिर्फ एक प्लांट है यहाँ पे, और इसमें से हम कितना सारा बैंगन हार्वेस्ट करेंगे। इसकी ग्रोथ देखिए आप, कि इस पूरे प्लांट की ग्रोथ देखिए, ये इस बॉक्स में लगा हुआ है, और देखते हैं कितने सारे बैंगन हमें हार्वेस्ट करने को मिलता है इससे, तो सिर्फ एक प्लांट से। इसलिए मैंने सारे प्लांट हटा दिए थे, सिर्फ इस एक प्लांट को छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे किचन के लिए सिर्फ एक ये प्लांट ही सफिशियंट है हार्वेस्टिंग देने के लिए। ये तो पूरा डाल जो है ये फ्रूटिंग से झुक गया है नीचे की तरफ, और इसमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है कि आप अभी बस हार्वेस्टिंग में बने रहिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इस एक पेड़ से मुझे एक किलो जितना बैंगन हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। और ये इस वाले बैंगन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसकी आप सब्जी बनाइए बहुत जल्दी बहुत अच्छे से गल जाता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसे अगर आप बीच से चार भाग में डिवाइड कर देंगे और डंठल के साथ जुड़े रहने दीजिए और उसकी सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। डॉली रानी कुकिंग चैनल पे इसका बहुत अच्छा इस वाले बैंगन की सब्जी की रेसिपी है, तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। ये देखिए कितना सारा ये निकल रहा है। ये एक बैंगन ख़राब हो गया है, बंदरों ने शायद इस पर दांत लगाया हुआ है। तो मैंने इस एक और पौधा एक पॉट में छोड़ रखा है, प्रूनिंग कर दी है उसकी। मैंने दो पौधे अपने लिए बचा के रख लिया था, क्योंकि जब तक ये अभी जो लगाया है वो वाला ग्रोथ करेगा तब तक तो किचन के लिए चाहिए ना सब्जी कुछ टेरिस से। तो मैंने ये और भिंडी के पौधे और लोबिया के पौधे, बरसात वाले जो भी पौधे थे, वो सारे मैंने छोड़ रखे हैं अभी अपने टेरिस पे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे बैंगन निकले हैं, और अभी बहुत सारा छोटी साइज में बना हुआ है। जब भी हम फर्टिलाइज़र कोई डालते हैं अपने प्लांट में, तो एक बार ऐसे भरपूर फ्रूटिंग ज़रूर निकलती है, फिर धीरे धीरे स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये देखिए इतना सारा बैंगन निकला है सिर्फ एक प्लांट से। फिर उसके बाद अब देखते हैं और क्या हार्वेस्ट करने को मिलेगा। भिंडी भी हो गया है तैयार, भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगे, पौधा इंडिकेशन देने लगता है कि अब उसे फिर से फर्टिलाइज़र की नीड हो रही है, तो फिर से आप फर्टिलाइज़र उसमें डाल दीजिए। तो वैसे 15-20 दिन का बनाए रखेंगे तो कभी भी आपके फ्रूटिंग डाउन नहीं होगी आपके प्लांट की, आपको रेगुलर मिलता रहेगा प्लांट से फ्रूटिंग। तो 15-20 दिन पे आप अगर फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं अपने प्लांट में। तो मेरा क्या यहाँ पे थोड़ा बड़ा पॉट है, ये पॉट बॉक्स बनवाया है मैंने, 3 ईंटे को खड़ा करके डालते हैं उतना डेप्थ है इसका। तो इसमें थोड़े ज़्यादा टाइम पे भी अगर फर्टिलाइज़र पड़ता है तो भी ये अच्छी फ्रूटिंग करता रहता है, पर अगर आपने छोटे पॉट में लगा रखा है तो आपको उसके फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, मैंने बताया था ना कि हार्ड प्रूनिंग कर देने के बाद इसमें से बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी हमें, और ये देखिए हार्ड प्रूनिंग के बाद का ये रिज़ल्ट है, इतनी सारी भिंडी हार्वेस्ट करने को मिल गई। तो और अब थोड़ा सा ये लोबिया हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी देखिए, इसलिए मैं एक साथ सारे पौधों को नहीं हटाती हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे किचन के लिए थोड़ी बहुत सब्जियाँ मिलती रहे, क्योंकि जब तक ये विंटर वाले रेडी होंगे मेरे प्लांट्स, तब तक ये समर के पौधे मुझे फ्रूटिंग देते रहेंगे, और जब मुझे उस तरफ से मिलने लगेगा फ्रूटिंग तब मैं इसे हटाऊंगी, वेजिटेबल्स मिलने लगेंगे
तब मैं इस प्लांट को हटाऊंगी और फिर इस पे सेकंड ट्रिप का गोभी का पौधा और बैगन का पौधा तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा गोभी और बंदा की का पौधा सेकंड ट्रिप का लगेगा। बंदा तो मुझे अभी भी और लगाना है क्योंकि मेरा बीज खराब हो गया था, इस कारण से सिर्फ 3-4 पौधे ही लग पाए। ये देखिए, ये अचारी मिर्च जिसका अचार बनता है उस वो वाला मिर्च है। तो ये देखिए वाइट बटन रोज का बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है इस समय, और मुझे भी और भी प्लांट्स लाने हैं मार्केट से। ये देख रहे होंगे आप, सारे पौधे सेट हो गए हैं। जो पौधे सेट नहीं हो पाए हैं उसे हटा के मैंने रिप्लेस कर दिया दूसरा पौधा। और अब थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं सरसों की साग की, तो इसे डाल के बैंगन की सब्जी भी अच्छी लगती है। थोड़ा सा अगर आप उसमें सरसों का साग पालक का साग डाल देंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, मिक्स वेज बनाएंगे तो। और ये देखिए जो ज़्यादा बड़ा हो गया है वो पौधे मैं निकाल ले रही हूँ। मैंने उस तरह से हार्वेस्ट नहीं किया कि सिर्फ पत्तियाँ हार्वेस्ट को जड़ से निकाल लूँगी और फिर से मैं इसे लगा दूँगी। एक महीने में तैयार हो जाता है ये, 3 से 4 बार बन जाएगा इसमें साग। और मेथी भी देखिए मेरे रेडी हो रहे हैं, और चिली भी बहुत अच्छी समय फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखिए कितनी पूरा भर भर के आ रहा है। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि मैं अपने चिली के प्लांट में क्या कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, कैसे इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ, ये सारा मैं उसमें बताऊंगी। देखिए मेरा 2 साल पुराना पौधा इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, इसमें बहुत सारी चिली रेड हो जा रहे हैं, उसे भी मैं हार्वेस्ट आज कर लूँगी। वो देखिए पालक भी है, रेडी हो गया है, और गाजर इसका मूल प्याज का की पत्ती भी रेडी हो गई है। पर अभी मैं इसे हार्वेस्ट नहीं करूँगी जब क्योंकि एक ही साथ सारे पत्तियों वाली सब्जी को रखने पे ख़राब हो जाएगा। जब हमारे पास फ्रेश निकालने की सुविधा है, फ्रेश निकाल के बनाने की, तो मैं जब बनाना होगा तभी मैं तब निकालूंगी ये सब्जियाँ हार्वेस्ट करूंगी, प्याज की पत्ती और पालक। और देखिए मिर्च कितनी अच्छी मिर्च गार्डन से मिल रहा है। तो ये देखिए सरसों का साग आज हार्वेस्ट हुआ है, भिंडी इतना सारा हार्वेस्ट हो गया है, और बैंगन का तो कहने ही क्या है, 1 किलो जितना बैंगन होगा, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा। और ये थोड़ा सा लोबिया और मिर्च, और ये मिर्च देखिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है, रेड और भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। आप अब तक अगर बने हुए हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करने को तो नहीं कहूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था।